कमाया है, पैसा कमाया है, वो क्या, सॉरी क्या, इरफान भाई बैठिए ना क्या, अरे एक माइक दो इरफान भाई को, तो कहाँ जा रहे हैं आप इरफान भाई, एक मिनट रुके, अरे वेट ना, व्हाट हैपेंड, जाने दीजिए यार इरफान भाई, व्हाट हेलो, लीव इट यार, लीव मतलब मैं पतंगबाजी छोड़ के यहाँ आया, थोड़ा आप, आपने बुलाया, मैं आया इसलिए आया, थैंक यू, आप वही सिमिलर, क्या क्या हुआ नहीं, आपने अपनी फिल्मों का, अपनी तरह की फिल्मों का बुफे लगा दिया, व्हाट अबाउट आवर लंच बॉक्स, आपकी फिल्में फिल्में, हमारी फिल्में क्या है, वड़ा पाव, नहीं ऐसा नहीं है इरफान भाई, ऐसा कहां बोला मैंने, हमने भी लाइफ वाली फिल्में की है, राइट, हमने भी लाइफ वाली फिल्में की हैं, लाइफ इन अ मेट्रो, लाइफ ऑफ पाए, फैंटास्टिक लाइफ ऑफ पाए, आप अब क्यों गुस्सा हो रहे हैं, आप इधर आए, गुस्सा मत हो, नहीं नहीं मैं ऊपर ऊपर क्या करूंगा, नहीं नहीं आप आप ही संभालिए ऊपर, नहीं कितना अच्छा पहना हुआ है, सब कपड़े आगे आइए, प्लीज आए, दो मिनट ऊपर आए, प्लीज ऊपर आके बात कर लेंगे, हाँ ऊपर आए, एनी वे प्लीज कम, लेडीज एंड जेंटलमैन, सॉरी फॉर दिस इंटरजेक्शन, आई एम रियली सॉरी पर्टिकुलरली फॉर दोज हु बॉट टिकट्स और EMI, प्लीज किस्तें भरते रहिएगा, ये मूवी स्टार्स को देखने के चक्कर में लोग गाड़ी घोड़े ना बिक जाएं, हाय इरफान खान भाई यहाँ आ जाओ, थैंक यू, आ जाओ, अब बोलिए क्या क्या आपको ऐसा लग रहा है, क्यों आप ऐसे, आपने मुझे बुला लिया यहाँ, हाँ कुछ इंट्रोडक्शन नहीं, कुछ नहीं, मतलब व्हाट किया ना इंट्रोड्यूस, और कितना इंट्रोड्यूस करूँ, आपने कर दिया इंट्रोडक्शन, हाँ इंट्रोडक्शन हुआ ना, इरफान खान लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज, क्या क्या इंट्रोडक्शन किया आपने, मैं इरफान खान लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज, देखिए ये हमारा हो गया इंट्रोडक्शन, जब आप आते हैं तो लाइट्स, LED में एंट्री, वॉइस ओवर जो कभी ओवर ही नहीं होता है, खानों के खान, किंग खान, शाहरुख खान पधार रहे हैं, बादशाह, डॉन, बाजीगर, डॉन, अरे इरफान भाई डॉन दो बार बोल दिया आपने, तो दो बार किए ना आपने, आई नो मैं सेम पिक्चर करता लेता हूँ, लेकिन आपको एलईडी की क्या जरूरत है, हम आपसे इंस्पायर होते हैं जब भी हमको रियलिस्टिक एक्टिंग करनी होती है, अब वो बात अलग है कि कमर्शियल फिल्मों में हम थोड़ा बहुत छिछोरापन डाल देते हैं, दैट्स ऑल, थोड़ा बहुत नहीं मतलब बहुत थोड़ा, लेकिन आप बताए ना, कभी कभी जब आप सीन कर रहे होते हैं तो आपके दिल में भी आता होगा ना, लो एंगल एक एंट्री हो, कुछ डिशुम बिशुम हो, कहीं ना कहीं आपको भी सीन को कमर्शियल बनाने की लालसा तो होगी ना, बहुत, उसमें पैसा ज्यादा मिलता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती, लेकिन तो मैं इंस्पायर होता रहता हूँ, मैं रोज एक्ट भी करता हूँ उस तरह से, और मैंने आज AV बनाया है, मैंने कहा आज फिल्म फेयर है, आज तो दिखा दूंगा मैं, फिल्म फेयर वालों से एक गुजारिश है कि इन्होंने इतनी कैटेगरीज इन्वेंट की हैं, तो एक कैटेगरी और इन्वेंट करें, एवी बेस्ट एक्टर इन AV, तो मैं चाहूंगा कि पहले आपकी क्लिपिंग दिखाई जाए, उसके बाद मेरी क्लिपिंग दिखाई जाए, मेरी फिल्म पे बनाया आपने, मैंने आपकी फिल्म पे बनाया मोहब्बतें पे, मुझे पसंद आई थी, मुझे लगा बहुत पैसा मिला है आपको, अपने कुछ कराया नहीं उसमें, सिर्फ स्वेटर ऊपर डाला और वायलिन बजाया, तो लेडीज एंड जेंटलमैन इरफान भाई ने एक AV बनाया है, AV बेस्ट AV, देखते हैं इन्होंने कोशिश की है कि कमर्शियल सिनेमा वालों को बता सकें कि कमर्शियल एक्टिंग क्या होती है, कैन वी प्ले दी AV, एक लड़की थी दीवानी सी, एक लड़के पे वो मरती थी, चोरी चोरी चुपके चुपके चिट्ठियां लिखा करती थी, कुछ कहना था शायद उसको, जाने किससे डरती थी, अब मेरा वाला, हाँ प्लीज मेरा वाला, इरफान भाई का दिखाई, लड़की थी दीवानी सी,
एक लड़की थी दीवानी सी भैया, बेगानी सी मस्तानी सी, एक नाले पे नल के नीचे एक लौंडे को पत्र लिखा करती थी। कुछ कहना था उसको भैया, मतलब कि मतलब भैया नहीं कहना था, कुछ कहना था उसको। जब भी पंचायत की बैठक में मिलते यही पूछा करती थी, यही पूछा करती थी। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कटप्पा ने, अरे बंद करो यार ये फूल पत्ती, क्यों मारा? वाओ, क्या बात है, क्या बात है इरफान भाई, कमाल है। मतलब यार थैंक यू वेरी मच, मतलब माशाल्लाह बहुत ही अच्छा लगा मुझको। और आपने जो ये नई कैटेगरी की है ना, उससे मैं भी बड़ा प्रेरित हो चुका हूँ कि एमई एवी वाली जो कैटेगरी है, मैं चाहूंगा इसमें मुझे अवार्ड मिले। बाकी सब जगहों पे मिला तो मैंने भी एक छोटा सा एवी बनाया है। आपने भी बनाया? मैंने बनाया, मैं भी इंस्पायर हो गया एकदम। क्रिटिक अवार्ड तो हमारे लिए छोड़ दो। हाँ नहीं छोड़ूंगा कैसे, ऐसे किसी को नहीं छोड़ूंगा मुंबई में मैं। लेकिन आपकी ही फिल्म पे बनाया है, आपकी फिल्म जो है पीकू उस पे आधारित है। पीकू के पीके, छोड़ना पीके को यार। पीकू एकदम पीकू। अच्छा मैं दिखाता हूँ, पहले इरफान भाई वाला पीकू फिल्म जो कमाल की फिल्म थी, और उसके बाद मेरा वाला। प्लीज पुट द एवी फॉर पीकू। मेरा वाला, ये हमारा पेट है। हाँ। इसमें इंटेस्टाइन ऐसे 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 जा रहा है, ये देख। और जब आप ये ऐसे बैठते हैं तो पेट में प्रेशर आता है, और फिर पाइपलाइन में जितना वेस्ट मटेरियल है ना, वो धीरे धीरे थम लगाने की जरूरत ही नहीं, काम अपने आप हो जाता है। अब मेरा वाला, मेरा वाला, मेरा वाला। ओके लेट्स सी। रीडर, बॉडी हमेशा इंडियन स्टाइल में करनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले। बड़ा सिंपल है सेनोरिटा, मैं समझाता हूं। जब जब बॉडी का मन वाला आ गया, लुंगी को उठाना पड़ेगा, और फिर टिकट खरीद के बैठ जा सीट पे, निकल ना जाए और हो जाए मैस। सेनोरिटा, थोड़ा सा प्रेशर और थोड़ा सा गुनगुनाना। कभी ज्यादा कभी कम, फिर इसके बाद? अरे फिर उसके बाद क्या, देखते देखते गीली गीली गलियों से अनदेखा अनजाना वो पहला, उसका निकलना जरूरी। क्यों? क्योंकि वो तो है अलबेला, हजारों में अकेला, और फिर छंद से उसका करना। जी जी नहीं, छंद। और जादू तेरी नजर का तो पता नहीं भैया, लेकिन खुशबू तेरा बदन। ओ यू, देखा आपने, क्या बात है। नहीं नहीं आपकी भी क्या बात है, ना ना लवली, मा मा फैंटास्टिक, क्या बात है, ना ना ब्रिलियंट, वेरी गुड वेरी गुड। यार डिप्रेशन हो गया, डिप्रेशन हो गया। मुझे भी ऐसा लग रहा है इरफान भाई, जहां पर हमें वहीं पर हम दोनों ठीक हैं यार। एक्चुअली मैं वहीं ठीक हूँ, अपने मैं हाथ फैलाता रहूं यूं करके, और मैं वहां के मटकाता रहूं थोड़ी थोड़ी। एक्चुअली कंटेंट जो हमारी स्क्रिप्टिंग होती है वो